अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आफाक है और RBS के प्लेटफॉर्म से आज आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी जो न्यूज़ हैं जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लाहौर की विसिनिटी में जा रहा है और हर बंदा इसको नेगेटिविटी के तौर पे लेके जा रहा है क्योंकि लोगों से हज़म नहीं हो रही इसकी जो सक्सेस है। और पुराने जो स्क्रीनशॉट्स हैं और न्यूज़ हैं वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक वो बड़ा पुराना ऐड था मिश्री होशियार बाज कि लाहौर स्मार्ट सिटी फेक सोसाइटी है। और अभी सेकेंडली एक और जो सर्कुलेट न्यूज़ करनी शुरू की है न्यूज़ वो कि जो नैब वगैरह है उन्होंने इसको नोटिस दिया हुआ है या बुलाया हुआ है। तो जिन भाई ने माशाल्लाह से वो न्यूज़ सर्कुलेट की है तो उनको मैं ये मशवरा भी इस वीडियो में देना चाहूँगा कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। और जो ऊपर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं आप सारी जगह पर, वो अगर आप उस स्क्रीनशॉट को देखेंगे गौर से तो उसकी डेट है 19 सितंबर 2020, ठीक है। 19 सितंबर 2020 का स्क्रीनशॉट सर्कुलेट करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कोई ऑथेंटिक अगर आपके पास सोर्स है जिससे ऊपर आप हमें डिफेम करना चाह रहे हैं या लाहौर स्मार्ट सिटी को एक आप प्रोजेक्ट ये शो करना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, तो वो शेयर करें। ऐसी ये गिदड़ बगदियों से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और अल्लाह का बड़ा करम है कि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। अभी एनएचए को भी एक रिक्वेस्ट दे दी गई है विद सम अमाउंट, एक प्रोसेस फीस होती है लाहौर इसम पास से रास्ता लेने के लिए। उसके अलावा एक जो इसका इंट्रेंस है वो GT रोड पे ऑलरेडी बन रहा है। तो काइंडली मैं अपील करूँगा अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल इन न्यूज़ को ध्यान न दें। आपके लिए सबसे जो बड़ा सोर्स है ऑथेंटिसिटी का वो आपका इस टाइम पे एलडीए भी है, ठीक है। उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑफिस DHA फेज़ 8 में मौजूद है। और एक बात याद रखिए, जब तक आपके पास NOC नहीं होता किसी भी सोसाइटी का तब तक आप वहाँ पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उस लैंड के ऊपर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेन रोड के ऊपर बैठ के डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर इस तरह का इशू हो तो 10 मिनट के अंदर पूरी साइट सील होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप जाके साइट के ऊपर देख सकते हैं, काम तेज़ी से जारी है, हर चीज़ वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और इन न्यूज़ के ऊपर मैं दोबारा आपको कहूँगा कि इनको बिल्कुल इग्नोर करें और इनमें कोई सदाकत या सच्चाई नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस तरह की कोई भी और अपडेट्स आती रहेंगी, आपको साथ साथ जो डेवलपमेंट की है वो भी मिलती रहेगी। हमारा YouTube चैनल है RBS स्टेड बिल्डर्स के नाम से, फेसबुक पेज है। उसके अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी। और जितने हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से पेजेस मौजूद हैं। सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ और जो लेजिट न्यूज़ है उसको फॉलो किया करें, ठीक है। और उसको फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। आपके जो भी कंसर्न्स हैं हम अवेलेबल हैं आंसर करने के लिए इंशाअल्लाह, और बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में गाइड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।